अभी हम देखेंगे इस वीडियो में कि अगर विंडोज पे SSH सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से अमेज़न EC2 को एक्सेस करेंगे, और ये सेम प्रोसेस आप किसी और रिमोट मशीन को या डिवाइस को एक्सेस करने के लिए भी सेम प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, हम अमेज़न पे एक IAM रोल क्रिएट करेंगे, EC2 मशीन क्रिएट करेंगे, ठीक, वहां से हम प्राइवेट की ले लेंगे और फिर हम चल के पुटी डाउनलोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने अमेज़न कंसोल पर चलते हैं, साइन इन कर लेते हैं और सबसे पहले अभी हम क्या करने वाले हैं, IAM रोल क्रिएट करेंगे। तो या तो यहाँ से क्लिक कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं IAM, ओपन हो जाने देते हैं इसको, यूजर क्रिएट कर लेते हैं, एड यूजर का नाम रख देता हूँ पट्टी यूजर, मैं पट्टी यूज करूंगा इसके लिए। पासवर्ड इनेबल कर देंगे इसको, कस्टम पासवर्ड, रिक्वायर्ड रीसेट पासवर्ड नो। तो इससे क्या होगा कि जब ये यूजर लॉगिन करेगा तो इसको पासवर्ड रीसेट नहीं करना पड़ेगा अपना। एग्जिस्टिंग पॉलिसी अटैच कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे रहा हूँ, टैग देना चाहें आप, यूजर टाइप मैंने कहा भैया पटी, SSH आप देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें नहीं दे सकते हैं। क्रिएट कर रहे हैं यूजर को, CSP डाउनलोड कर लेंगे जिसमें यूजर की आईडी मिल जाएगी हमें, और ये आप डाउनलोड करके रखेंगे हमेशा अपने पास, हमें अभी जिस चीज की जरूरत है वो ये रही, ठीक। तो क्लिक करके डाउनलोड ही कर देता हूँ इसको, और अब हम एक इनकॉग्निटो मोड में विंडो ओपन कर लेते हैं। सारा काम IAM यूजर से करेंगे, रूट यूजर से EC2 नहीं क्रिएट करेंगे, रूट यूजर से आप सिर्फ IAM रोल क्रिएट करेंगे। यूजर का नाम क्या है, ये हमारा यहाँ पर है, पेस्ट कर दिया, पासवर्ड, साइन इन, यानी कि पहला काम हमने कर लिया, एक IAM रोल क्रिएट कर लिया, उस यूजर से हमने लॉग इन कर लिया है, ठीक। नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है वो है EC2 मशीन क्रिएट करना है। मैं यहाँ EC2 लिख रहा हूँ, EC2 पे गए, अभी कोई भी इंस्टेंस रनिंग नहीं है हमारे पास, ठीक, रनिंग इंस्टेंस पे जाते हैं, कुछ भी नहीं है, ये मैं नीचे ये एक्सेप्ट ऑल कर रहा हूँ, ये कुकीज की पॉलिसी है, पहली बार ओपन कर रहे हैं इस ब्राउजर पे इसलिए आ रहा है, ठीक। लॉन्च इंस्टेंस पे जाते हैं, Amazon Linux 2 AMI, यही सेलेक्ट करो, Amazon मशीन इमेजेस होती है ये। आपको क्या ध्यान रखना, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई भी आप चूज कर सकते हो, बट फ्री टीयर के लिए एलिजिबल होना चाहिए। सेलेक्ट किया इसको, सारे डिफॉल्ट सेटिंग के साथ जाएंगे, कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। क्या ध्यान रखना आपको, T2 माइक्रो क्योंकि फ्री टीयर एलिजिबल है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे, नहीं तो आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। कॉन्फिगरेशन डिटेल कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हैं, हेड स्टोरेज बाई डिफॉल्ट 8 GB है। नेक्स्ट, कॉन्फिगर सिक्योरिटी ग्रुप, याद रखना है बाय डिफॉल्ट ये इनेबल रहता है, तो अगर आप किसी बने हुए EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर रहे हैं आपको सिक्योरिटी ग्रुप एडिट करके उसमें SSH को पोर्ट 22 पे कम से कम आपके IP एड्रेस पे, आप यहाँ पे माई IP पे क्लिक करेंगे तो ये आपके IP एड्रेस को अलाउ कर देगा, ठीक, और नहीं तो एनीवेयर कर दीजिए, ठीक, ये अलाउ होना चाहिए, ये वार्निंग इसीलिए आ रही है, इसको इग्नोर करेंगे अभी के लिए। तो अब नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, पट्टी सिक्योरिटी ग्रुप, और मैं इसका भी नाम चेंज कर रहा हूँ नीचे, ठीक। क्रिएटेड कब है, टाइम सेम रहने देता हूँ, रिव्यू एंड लॉन्च, T2 माइक्रो, ठीक है, लॉन्च कर रहा हूँ इसको। अब की पेयर, यही की होगी प्राइवेट की जो हमारी हेल्प करेगी कनेक्ट होने में इस मशीन के साथ। जब भी आप किसी मशीन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो अगर एक मशीन यहाँ एग्जिस्ट करती है, ये EC2 है या कोई भी डिवाइस हो सकती है, कोई और रिमोट मशीन हो सकती है, और ये आप, तो अगर आपको इससे कनेक्ट होना है तो कुछ सिक्योरिटी लगाएंगे। तो एक तो सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे जिससे ये पता चल जाएगा कि भाई अलाउड है कि नहीं, इसने कहा अलाउड फ्रॉम पर्टिकुलर IP, तो सिर्फ आपको एंट्री मिलेगी, कोई और आएगा एंट्री नहीं होगी, बट इसने अलाउ फ्रॉम एनीवेयर कर दिया तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, बट जब एक्सेस करेगा तो कम्युनिकेशन करने के लिए एक की चाहिए होगी, बिना उस की के आपका मैसेज ना इनक्रिप्ट होगा ना डिक्रिप्ट होगा ना आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे वही की डाउनलोड करने वाले हैं, इसको संभाल करके रखना है।
और कभी भी ये की लीक नहीं करना है। ठीक, मैंने कहा क्रिएट अ न्यू की पेयर, इसको कुछ नाम दे देते हैं, PuttySSH, डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर, ये PuttySSH जो हमने अभी क्रिएट किया है, लॉन्च, इंस्टेंस इनिशियलाइज हो रहा है, व्यू इंस्टेंस कर लेते हैं, ये अभी पेंडिंग है, तब तक हम यहाँ चलते हैं जो हमने डाउनलोड किया है। मैंने इसको शो इन फोल्डर किया, मैं इन दोनों चीजों को यहाँ से कट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू फोल्डर SSH, और यहीं रख ले रहा हूँ। ठीक, चलते हैं अपने इंस्टेंस पे, अभी पेंडिंग है, इंस्टेंस स्टेट रनिंग है, यानी इंस्टेंस स्टार्ट हो गया। अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे IPv4 एड्रेस, प्राइवेट IPv4 एड्रेस सब कुछ अवेलेबल है, मिल जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है इसको एक्सेस करने के लिए, अब हमें चलना है और पट्टी डाउनलोड करना है, तो यहीं लिख लेता हूं मैं, ये नहीं अलाउ करेगा, कोई नहीं, हम नॉर्मल विंडो में चेक कर लेते हैं इसको। ठीक, डाउनलोड पट्टी फ्री SSH टेलनेट, यू कैन डाउनलोड पट्टी हियर, क्लिक कर दिया। 64 बिट चाहिए मुझे, 136, ठीक है। MSI इंस्टॉलर डाउनलोड हो रहा है, इस पे यहीं से क्लिक कर सकते हैं, डाउनलोड में जाकर डबल क्लिक कर सकते हैं इस पे, मैं इस पे डाउनलोडिंग कंप्लीट होते यहीं पे क्लिक करूंगा। ठीक, और यहीं से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं करने वाला हूँ उसमें। नेक्स्ट, जहाँ इंस्टॉल हो रहा है नेक्स्ट, कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हैं, इंस्टॉल को इंस्टॉल हो लेने देते हैं। क्या ये परमिशन के लिए पूछ रहा है, इंस्टॉलर के लिए, यस, कंप्लीट हो गया, रीड में मुझे नहीं ओपन करना है, फिनिश, पट्टी इंस्टॉल हो चुका है। ठीक, तो इसको क्लोज कर रहा हूं। अभी क्या है कि हम कुछ काम कंप्लीट कर चुके हैं, IAM रोल क्रिएट कर चुके हैं, दूसरा ये क्रिएट किया था हमने IAM रोल, उसके बाद से फिर हम गए थे इस पे, और जाने के बाद हमने यहाँ पे किसी टू इंस्टेंस क्रिएट किया था, और उसके बाद से पट्टी भी डाउनलोड कर चुके हैं। तो मैं सब कुछ मिनिमाइज कर रहा हूँ और पट्टी ओपन करेंगे चल करके, PUTTY। यहाँ पे पट्टी जनरेटर है, ठीक, ये पट्टी है, ठीक, तो चलते हैं देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं सबसे पहले इस पट्टी पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक, होस्ट नेम और IP एड्रेस, कुछ कुछ स्टेप्स हैं, अभी चलेंगे और देखेंगे कंप्लीट क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे और सब कुछ कंप्लीट करेंगे। होस्ट नेम और आईपी एड्रेस, तो होस्ट नेम जो हमारा होता है वो EC2 यूजर, और @ आईपी एड्रेस हम ले आते हैं चल करके, यहाँ से कॉपी करके, ये IPv4 हमारे पास, कॉपी कर लिया हमने, पोर्ट बाय डिफॉल्ट 22 रहता है, सही है। ठीक, इसको कुछ नाम दे देता हूँ, AWS EC2, ताकि हम पहचान सके इसको, और इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक, ये रहा, अब कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एक बार और देखते हैं कि क्या होता है। द सर्वर्स होस्ट इज नॉट कैश्ड इन रजिस्ट्री, यू हैव टू गारंटी दैट द सर्वर्स इज कंप्यूटर यू थिंक इट इज, मैंने कहा एक्सेप्ट कर लो जो भी आ रहा है, बट ये कनेक्ट नहीं हुआ, क्या हुआ, नो सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड, सर्वर सेंट पब्लिक की, सर्वर पब्लिक की भेज रहा है, आपके से प्राइवेट की होना चाहिए उसके लिए जो हमने डाउनलोड की थी, तब चल करके उसको अटैच करता हूँ, इसको बंद कर दे रहा हूँ। ठीक, और ये क्लियर कर दे रहा हूँ सबको, चलिए बंद कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं और पट्टी के साथ ये की यहाँ हमने रखी हुई है, इसको अटैच करेंगे। ठीक, चलिए हम पट्टी को वापस ओपन कर लेते हैं। अब पट्टी जिस की को सपोर्ट करता है वो .ppk होती है, और अभी हमारे पास .pem है, अभी हमें सबसे पहले ये देखना है कि PEM को PPK में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे वापस मैं पट्टी लिखने वाला हूँ, PUTTY, ये पट्टी था और ये पट्टी जनरेटर है, तो इसको पट्टी जनरेटर ओपन कर रहा हूँ मैं। ठीक, अब सबसे कुछ की जनरेट नहीं करनी, यहाँ से नहीं जनरेट करनी है, तो हम क्या करने वाले हैं, हमें प्राइवेट की लोड करना है, या तो यहाँ लोड प्राइवेट की पे क्लिक करेंगे, ये नीचे जो लोड लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे।
ये वाले पे, या तो यहाँ क्लिक करेंगे या फाइल पे जा करके और यहाँ से लोड करेंगे। ठीक, मैं फाइल पे से जा रहा हूँ लोड प्राइवेट की। ठीक, और अब आपको कहाँ तक जाना है, डेस्कटॉप पे जहाँ SSH की रखा हुआ है, दिख नहीं रही होगी क्योंकि यहाँ नीचे PPK लिखा हुआ है, इसको ऑल फाइल्स कर दीजिए और ये अपनी PEM सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। ओके, हो गया। अब सेव करना है प्राइवेट की यहाँ से। ठीक, सेव किया। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सेव दिस की विदाउट अ पास फ्रेज टू प्रोटेक्ट इट? यस। अब इस बार देख रहे होंगे .ppk से सेव हुई है, हमने इसका नाम रख दिया छोटी SSH PPK। ठीक, सेव कर दिया, ये आ गई यहाँ पे PPK, इसका काम कंप्लीट हो गया, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक, यानी कि ये भी काम हो गया कि हमने PEM को PPK में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें चल करके इस PPK को अपने पट्टी के उस इंस्टेंस से, उस सेशन से अटैच करना है, तो वापस से पट्टी ओपन कर लीजिए। ये रहा AWS EC2, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ लोड पे क्लिक कीजिए तो ये लोड हो जाएगा। ठीक, अब हमें इसको अटैच करना है चल करके। ठीक, यहाँ नीचे कनेक्शन दिख रहा होगा, कनेक्शन के अंदर SSH दिख रहा होगा, SSH के अंदर auth दिख रहा होगा ये। ठीक, और auth के अंदर यहाँ पे प्राइवेट की फाइल फॉर ऑथेंटिकेशन ब्राउज कीजिए, वहीं डेस्कटॉप पे जाना होगा वापस से हमें। डेस्कटॉप पे SSH के अंदर ये PPK ओपन किया, यहाँ पे ओपन मत करिएगा, कुछ भी क्लिक मत करिएगा और वापस से सेशन पे चले जाएंगे। ठीक, और इसको जा करके पहले सेव कर देंगे ताकि सेव हो जाइए। अब ओपन करिए, ये देख रहे हैं यूजिंग यूजर नेम EC2 यूजर, ऑथेंटिकेशन डन हो गया, EC2 ओपन हो गया है। और कैसे ओपन हो गया, ये आईपी एड्रेस रहा आपका, प्राइवेट आईपी एड्रेस लिख करके आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं जा करके, ये 172.31.81.234, 172.31.81, और ये आईपी एड्रेस और ये आईपी एड्रेस, ये दोनों सेम है। इससे ये पता चलता है कि EC2 यूजर एक्सेस कर रहा है। अब आप उस मशीन में एक्सेस एंटर कर चुके हैं, अब आप यहाँ से फाइल ट्रांसफर करिए, मशीन में कोई चेंज करिए, कुछ इंस्टॉल करिए, कुछ भी करिए, आप रिमोट मशीन को पूरी तरह कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।